जय सीताराम। आज हमारे परिवार की ओर से हमारे बालाघाट नगर का जो प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, जिसको संकट मोचन हनुमान मंदिर के नाम से हम सभी लोग जानते हैं, और पूरी श्रद्धा और भक्ति से यहाँ पर भक्तजन पूजा करने आते हैं, हम सब आते हैं, तो आज हमने यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ रखा है और हमारे मुंजारे परिवार की ओर से महाप्रसादी का वितरण हमने करने की एक छोटी सी कोशिश की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की सम्मानीय जनता ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद प्रदान किया है और अपने कीमती आशीर्वाद के तहत जनता ने मुझे कीमती मतदान दिया है और भारी मतों से मुझे जिताकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचने का एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया है। तो मैं भगवान राम जी से, सीता मैया जी से, लक्ष्मण भैया जी से, बजरंग बली से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहे, हम सब उनके भक्त हैं और हम सबको इतनी सद्बुद्धि दें कि हम हमेशा पीड़ित मानवता की सेवा करें और जनता की सेवा करते रहें। पीड़ित मानवता की सेवा करने के साथ साथ सड़क से लेकर सदन तक जन जन की आवाज़ हम उठा सकें, सच्चाई और निष्ठा के रास्ते पर चलते रहें और भारत देश की एकता, अखंडता, आपसी भाईचारे और सामंजस्य के लिए हम लोग निरंतर काम करते रहें। और सभी को मैं इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय सीताराम। धन्यवाद।